गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। तो मंत्र जो है वो सारी धरती का, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैयारे हैं, जितने भी पूरी दुनिया में बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, प्रकृतियां हैं, यूनिवर्सेस हैं, उन सबको कौन, उन सबका बोझ कौन धारे हुए रहते हैं? शीशनाग जी। और शीशनाग नाग जी जो है वही बलराम जी हैं, जो कि कृष्ण के बड़े भाई के रूप में द्वापर युग में आते हैं। तो आप सबको पता होगा कि राम जो है वो तीन तरह के हैं। राम कौन कौन से हैं, किसी को पता है? एक तो बलराम जी हो गए, बलराम। एक स्वयं रामचंद्र जी हो गए, जो सीता जी के पति होते हैं। और तीसरे राम कौन बताएगा, किसी को याद आ रहा है? परशुराम होते हैं। वेरी गुड। तो तीन राम हैं और ये बहुत ही बड़े बड़े जो है वो अवतार हैं एक्चुअली, जिनका भागवतम के अंदर जिक्र आता है। छठे अवतार जो है परशुराम जी हैं और सातवें अवतार रामचंद्र जी हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बलराम जी की। तो बलराम जी जो है वो बेसिकली भगवान के बहुत बड़े सर्वेंट हैं। आप देखिए शीशनाग जी जो है वो भगवान के साथ साथ होते हैं हर वक्त। जब वो त्रेता युग में आते हैं रामचंद्र बन के, तो उसमें कौन होता है उनके साथ? लक्ष्मण जी होते हैं। तो वहाँ सेवा का रस होता है, सेवा रस होता है, उसको कहते हैं कि दास रस कहते हैं उसको हम। तो वहाँ हर वक्त सेवा करते हैं। रामचंद्र जी जब जो है वो जाते हैं जंगलों में, तो उनके पैरों की सेवा मसाज कर रहे होते हैं, उनके लिए प्रसाद वगैरह जो है वो हम जो है वो जहाँ पर संघ के अंदर बैठ जाएंगे, जहाँ पर हम श्री कृष्ण को के बारे में, उनकी जो एसोसिएट्स हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो भक्त हैं, हम उनके बारे में सुन रहे हैं। भगवद गीता में श्लोक है ना, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान मम प्रबध्यन्ते सा वासुदेव सर्व इति सा महात्मा सा दुर्लभा दुर्लभा। यानी वो महात्मा बहुत दुर्लभ है जो ये जानता हो कि भगवान जो है वो सब कारणों के कारण है। बोलो श्री श्री राधा गोपीनाथ की। तो बलदेव जी के बारे में तो बलदेव जी के बारे में हम जितना भी जानना चाहें, जितनी भी कोशिश करें, इनके बहुत सारे रोल रहे हैं। इवन ये बहुत बड़े गुरु हैं, हम सबके टीचर हैं। ये मुक्ति मिल जाती है जब वो दर्शन करते हैं बलराम जी के या श्री कृष्ण के। तो इसीलिए वो झुकते हैं कि हमें जो स्वयं भगवान है, कृष्णा तो स्वयं भगवान, हमें उसका दर्शन प्राप्त हुआ है। बोलो श्री बलदेव महाराज की। तो बलदेव जी का दर्शन इतना उत्तम होता है। और आपको पता है भागवतम जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें 40 जो है वो राक्षस हैं जिनको मारा गया है। राक्षस से भरी भी बहुत सारी आपने भी कहानियां पढ़ी होंगी। और बलराम भैया ने किस किस राक्षस को मारा था? प्रलम बसुरा होता है और धेनु का सुरा होता है, और एक और भी होता है तीसरा बलवान उसका नाम होता है। पर ये विशेष कर इनके नाम आते हैं। और ये क्या करते हैं? बच्चों को तंग करते हैं बहुत ज्यादा। जब भी श्री कृष्णा बलराम जी जो है वो घूमते हैं, विचरते हैं, गेम्स खेलते हैं वृंदावन में, तो उनको तंग करने के लिए कौन आ जाता है? राक्षस आ जाते हैं। कभी वो मंगी की शक्ल में आ जाते हैं धेनु का सुर बन के, और कभी वो बलराम भैया को उठा के ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बलराम भैया को वो पहले उठाकर ऊपर उड़ना शुरू कर देते, क्यों? कृष्णा में डायरेक्ट नहीं अटैक करते हैं। तो है वो बहुत सारे भगवान के जो है वो आदान प्रदान होते रहते हैं बलराम भैया जी के साथ। और हम देखते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, तो कौन कौन होता है उसके अंदर? बलराम जी होते हैं, सुभद्रा जी होती है और कृष्णा जी होते हैं। जब वो कुरुक्षेत्र में जाते हैं मैदान में, क्योंकि उनको मिलना होता है वृंदावन वासियों से, तो वहाँ पर वृंदावन वासियों में उनकी माताएं भी आती हैं। पर उनका जो मिलना होता है, वो उनका जो आपस में जो प्रेम भाव होता है, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्ते भक्ता वत्सला। जैसे कि हम जो है वो बलराम जी को नमस्कार करते हैं, ये वो नमस्कार हम इनको जैसे नमस्कार करते हैं, ये हल जो हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हिंदू तो हम इसलिए कहते हैं कि हम सिंधु नदी के किनारे रहते हैं, तो वहाँ से ये हिंदू वर्ड जो है वो निकल के आया। पर हम सब लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो सनातन धर्म के मानने वालों को ये पता होना चाहिए कि हम आए कैसे।